मिशन 14 के लिए बीजेपी तैयार, 2024 की जंग के लिए बेकरार, शाह नीति से जीत लेगी आकार। नए साल का आगाज हो चुका है और बीजेपी की झारखंड इकाई में हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेता छुट्टी मनाने की बजाय या तो चाईबासा में प्रवास कर रहे हैं या मंगलवार तक पहुंचने की तैयारी में। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को झारखंड दौरे पर चाईबासा पहुंच रहे हैं। इस एक दिन के दौरे के दौरान जहां अमित शाह झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को टास्क देंगे, वहीं आदिवासी बहुल चाईबासा से कार्यक्रम की शुरुआत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 24 में कमल ही कमल खिलेगा झारखंड में, 14 लोकसभा। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं कमल का फूल खिलेगा और फिर से भारत में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद हुए 2019 विधानसभा चुनाव में जीत पार्टी के हाथ से फिसल गई। ऐसे में पार्टी 2024 चुनाव को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती और अमित शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बात बता देना चाहते हैं और इसके लिए वो एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी का झारखंड राज्य में प्रवास का कार्यक्रम बना है। स्वाभाविक है कि बहुत दिनों के बाद आदरणीय अमित शाह जी झारखंड की धरती पर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में कोल्हान के क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है और वहाँ पर एक सभा होगी, सभा में भारी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। वैसे भी बीजेपी को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी माना जाता है, जो 24/7 चुनावी मोड में होती है और तैयारी भी मिशन मोड के हिसाब से होती है। तो हमारा कार्यक्रम सालों भर चलता है, हम कोई रीजनल पार्टी नहीं है, इसलिए कई लोग कई बार इस पर आक्षेप भी लगाते हैं। अरे भैया, हमारा नेता है कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक दौरा करेगा, आपको परेशानी क्या है? अरे आप तो सिर्फ झारखंड के अंदर घूमते हैं ना, हमारे नेता तो पूरे देश के अंदर घूमते हैं। बीजेपी के लिए 2024 से पहले 2023 का साल बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस साल देश के कई राज्यों में चुनाव है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी इन सभी को पूरा तवज्जो दे रही है, लेकिन झारखंड में अपना परचम फिर से फहराने का लक्ष्य बीजेपी के लिए चुनौतियों से भरा है। लिहाजा अमित शाह अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार को कई नाजुक मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।